हेलो हेलो ओके सो हेलो गाइस। तो इस वीडियो में नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया मैंने। तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, रैंडम पासवर्ड जनरेटर टूल, जो मैंने पाइथन ऐड टी की इंटर से बनाया है। ओके तो सपोज़ मैं पुअर पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ बटन पे क्लिक करता हूँ जनरेट पासवर्ड, तो मुझे इसने 8 डिजिट का पुअर पासवर्ड दे दिया। मीन्स पुअर पासवर्ड में मैंने खाली अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर डाला है। सपोज़ मैं एवरेज पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ, तो एवरेज पासवर्ड पे पासवर्ड है, सो मैंने अपर केस लोअर केस डिजिट्स एंड साथ में पंचुएशन। तो आप देख सकते मुझे इसमें इक्वल ब्रैकेट ये भी मिले। ओके तो आप जो भी हमारा टेक्स्ट का साइज है, पासवर्ड का लेंथ है, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करा तो आप देख सकते हो कि ये मुझे नया 16 डिजिट का पासवर्ड दे दिया। जितने टाइम मैं जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करूँगा तो मुझे एवरी टाइम नया नया पासवर्ड देगा। ओके तो ये था हमारा जनरेट पासवर्ड का ओवरव्यू। तो अभी लिखते हैं कोड को और समझते हैं कि हमने ये कैसे बनाया। ओके तो बढ़ते हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिंपल स्निप कोड। तो जैसा कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था, पासवर्ड जनरेटर प्रोजेक्ट देखा था, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट किया था वाई यूजिंग पाइथन से। ओके तो इसमें हम इसका खाली कुछ फीचर एक्सटेंड करेंगे और इसको हम GUI ऐप बनाएंगे। ओके वाई यूजिंग टिक इंटर। ठीक है तो अभी तक आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप पहले जाके मेरा ये वाला प्रोजेक्ट देखें, फिर उसके बाद मैं जो भी बनाऊँगा पासवर्ड जनरेटर GUI ऐप, आप फिर इसके बाद इसको देखें तो आपको अच्छे से समझेगा। ओके तो पहले हम क्या करते हैं, एक PUI फाइल बना लेते हैं, हम इसमें एडिट नहीं करेंगे। तो मैं करता हूँ एक और PUI फाइल बना लेता हूँ, उसी फोल्डर के अंदर सेव कर लूँगा। ओके तो मैं उसी फोल्डर के अंदर हूँ, तो मैं फाइल का नाम पासवर्ड जनरेटर अंडरस्कोर GUI.py दे दिया। ओके तो हमने फाइल का नाम दे दिया पासवर्ड जनरेटर अंडरस्कोर GUI.app.py। ओके तो सबसे पहले फटाफट क्या कर लेता हूँ, मैंने पिछले वाले वीडियो में क्या किया था, इम्पोर्ट स्ट्रिंग किया था, तो मैं इम्पोर्ट स्ट्रिंग कर लिया, फिर इम्पोर्ट रैंडम इंटर यूज़ करना है हमें। तो मैं कर लेता हूँ फ्रॉम टिक इंटर टिक इंटर के सब मैंने इम्पोर्ट कर लिए। ओके तो जैसा कि हमने ये वाले वीडियो में देखा था, इसमें हमने खाली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट किया था। ओके तो इस वीडियो में कुछ नया करेंगे, तो इस वीडियो में हम जो पासवर्ड है जनरेट करने का, उसको हम 3 कैटेगरी में स्टोर करेंगे। ओके जो पहला कैटेगरी रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, पुअर पासवर्ड, और जो भी सेकंड सेकंड कैटेगरी रहेगा उसमें हम एवरेज पासवर्ड डालेंगे, जो हमारा थर्ड रहेगा उसमें हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे। ओके तो जैसे कि हमने इसमें क्या किया था, इसमें हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर रहे थे, तो हम इसमें क्या लॉजिक लाएंगे, जो हमारा पुअर पासवर्ड रहेगा हम उसमें क्या करेंगे, खाली स्ट्रिंग डॉट अपर केस स्ट्रिंग डॉट लोअर केस यूज़ करेंगे। ओके तो मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग डॉट ए आस्की अंडरस्कोर अपर केस प्लस जो हमारा पुअर पासवर्ड रहेगा वो खाली जनरेट होगा केवल स्ट्रिंग से, जो स्ट्रिंग में खाली अपर की स्ट्रिंग रहेगा और लोअर की स्ट्रिंग रहेगा। ओके जो हमारा एवरेज पासवर्ड रहेगा हम क्या करेंगे, जो हमारा अपर केस भी रहेगा लोअर केस भी रहेगा लेटर्स एंड थर्ड रहेगा, जो हमारा 0 से लेकर 9 से डिजिट्स के बीच का नंबर्स भी रहेगा। ओके तो हम इसमें यही लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ उसको कॉपी करता हूँ, बार बार लिखने से मैं उसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, चाहिए डिजिट से, तो मैं डिजिट से लिख लेता हूँ, हम इसको बड़ा कर लेता हूँ। ओके तो अभी जो हमारा थर्ड केस रहेगा कैटेगरी, हम उसमें क्या करेंगे, जब भी हमारा पासवर्ड एडवांस रहेगा, यानी एडवांस बोल सकते हो या तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोल सकते हो। ओके
करता हूँ, ये पूरा सेम रहेगा एडवांस पासवर्ड में, खाली मैं इसमें क्या पंचुएशन ऐड करूँगा। ओके तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस, देख सकते हैं पंचुएशन की स्पेलिंग। ओके फिर मैं एंटर करता हूँ। ओके मुझे करना क्या है, जो भी मेरा जीयूआई है मुझे वो बनाना है। ओके तो फटाफट पहले क्या करते हैं, एक रूट बना लेते हैं टिक इंटर का। तो लिखता हूँ मैं रूट, लूप लिखा मैंने तो रूट मेरा क्लोज हो गया। ओके तो सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं एक सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में हूँ, इसलिए मैं कंट्रोल प्लस बी दबाऊंगा तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके तो आप देख सकते हैं कि मेरा टी के, मेरा जो एक टी इंटर था लेबल था मुझे बन गया। ओके ओके अब मैं आता हूँ उसके अंदर एक रूट दे देता हूँ, रूट के अंदर एक मैं टाइटल लेता हूँ। रैंडम पासवर्ड जनरेटेड टूल, ओके तो मैं लिख लेता हूँ रैंडम पासवर्ड जो मेरा विंडो है काफ़ी छोटा दिख रहा था, तो मैं करता हूँ उसका थोड़ा हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ रूट डॉट, मैं क्या होगा हाइट एंड विड्थ में इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूँ और मैं वेट दे देता हूँ 350। ओके तो अभी मैं पहुँच जाता हूँ अपने यहाँ पे और लेता हूँ 350। प्रॉब्लम क्या है, ओके मेरे से गलती से इंसर्ट बटन क्लिक हो गया था। यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ और मैं हाइट एंड विड्थ 250, तो मैंने हाइट एंड विड्थ कितना दे दिया 350 एक्स है ना कि मल्टीप्लाई। तो मुझे इसका हाइट एंड विड्थ इंक्रीज हो गया और मेरा यहाँ पे मुझे टाइटल मिल गया। ओके अभी फटाफट आगे का फटाफट लिखते हैं प्रोग्राम। तो मैं पहले एक लेबर बना लेता हूँ ऊपर, मैं फटाफट लिख लेता हूँ लेबल अंडर स्कोर टाइटल इज इक्वल टू लेबल लेबल बनाना है, किसके अंदर बनाना है, रूट के अंदर बनाना है। जो मेरा विंडो है रूट है, मैंने उसका नाम रूट दिया है तो मुझे रूट के अंदर बनाना है। चूज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पासवर्ड, ओके चूज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पासवर्ड। ओके और फिर मैं सारे करता हूँ जो भी मेरा इसका फोरग्राउंड कलर देता हूँ, फोरग्राउंड कलर मैं किसे एफ जी लिखूँगा तो मेरा फोरग्राउंड कलर आ जाएगा। मैं फोरग्राउंड कलर वाइट दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं ब्लू दे देता हूँ। तो मैं बी जी इज इक्वल टू ब्लू लिखूंगा तो मेरा बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा उस लेबल का। मैं यहाँ पे एक लेबल बना लिया, अब मेरा लेबल क्लोज करने का टाइम आ गया। तो मैं इसको लेबल डॉट टाइटल डॉट टैग फंक्शन लाऊंगा तो मेरा लेबल जो क्लोज हो जाएगा, देख सकते हैं कि मेरा लेबल बन गया होगा। ओके सॉरी कंट्रोल एस कंट्रोल बी करता हूँ मैं, तो मेरा लेबल नहीं बना, टैग टैग क्यों नहीं है ना। ओके तो मैंने यहाँ पे रूट डॉट मेन लूप मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो उसके बाद कोड एग्जीक्यूट नहीं होना। ओके तो मैं यहाँ पे इसको को क्लोज करता हूँ, रूट डॉट मेन लूप को फिर से रन करता हूँ। तो देख सकते हो कि हाँ मेरा बन गया चूज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पासवर्ड। ओके आई मैं इसके नीचे तीन रेडियो बटन बनाता हूँ और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊँगा, उसमें टेक्स्ट बॉक्स बनाऊँगा कितने साइज का पासवर्ड चाहिए और एक बटन बनाऊँगा कि वो हमारा पासवर्ड दे देगा। ओके तो फटाफट मैं पहले अभी क्या करता हूँ, पहले मैं तीन रेडियो बटन बना लेता हूँ। तो मैं करता हूँ पहले
इंट ले लेता हूँ, तो मैं उसका नाम दे देता हूँ चॉइस, ले लिया चॉइस इंट वैर, रेडियो बटन बनाता हूँ, तो आर बी वन इज इक्वल टू रेडियो, आर बी वन का मतलब रेडियो बटन वन। ओके मैं लिखता हूँ रेडियो बनाना, रूट पे बनाना है जो रेडियो बटन है उसका टेक्स्ट क्या दे रहा हूँ मैं, पुअर पासवर्ड, तो मैं लिख लेता हूँ पुअर पासवर्ड। मैं वेरिएबल लेता हूँ वेरिएबल इज इक्वल टू चॉइस। ओके तो मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल चॉइस क्यों बनाया, ओके ताकि सब सपोज यूज़र रेडियो बटन वन पे क्लिक करेगा, सब उसको पुअर पासवर्ड चाहिए और सबमिट पे क्लिक करेगा तो उसको कुछ तो चाहिए जिससे वो एक्सेस कर सके सबमिट बटन। ओके तो इसलिए मैंने वेरिएबल बनाया चॉइस नाम का। ओके और मैं इसके अंदर पास करता हूँ वैल्यू, मैंने रेडियो बटन उसका वैल्यू मैं वन दे देता हूँ। ओके रेडियो बटन इसको क्लोज करता हूँ मैं, तो पहले मैं सर आर बी वन डॉट लगा दिया, ठीक है अब इसको रन करता देता हूँ मेरा एक रेडियो बटन बना कि नहीं बना। तो ओके सॉरी तो इसमें क्लोज फंक्शन नहीं आता, इसमें पैक होता है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक रेडियो बटन बन गया। ओके तो अभी तीन बनाना है हमें, तो अभी मैं क्या करता हूँ फटाफट इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ मैं 3 times। ओके और मैं इसका नाम रखता हूँ आर बी टू, आर बी टू डॉट आर बी टू को क्लोज़ किया, आर बी थ्री, आर बी थ्री को मैंने क्लोज़ कर दिया, और यहाँ पे मैं देता हूँ एड्रेस पासवर्ड, वैल्यू का जो भी है उसको 2 देता हूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यू को 3 देता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमारा 3 रेडियो बटन बन गया, आप देख सकते हैं कि एवरेज पुअर एवरेज स्ट्रॉन्ग। ओके तो अभी हमारा 3 रेडियो बटन बन गया, हमें क्या करना है एक टेक्स्ट बुक बनाना है, उसके अंदर हमें देना है कि कितना आपको जो भी हमारा लेंथ कितना चाहिए, जो भी पासवर्ड का लेंथ कितना चाहिए। ओके एड लेबल बनाता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ लेबल अंडरस्कोर, लेबल का नाम देता हूँ मैं लेबल अंडरस्कोर पासवर्ड। ओके और मैं देता हूँ इसको देता हूँ लेबल ऑन द टेक्स्ट इज इक्वल टू रहेगा, उसमें लिखा रहेगा चूज योर स्ट्रेंथ ऑफ योर पासवर्ड। ओके तो मैं लेबल को पहले क्लोज कर लेता हूँ डॉट टैग फंक्शन से, तो आप देख सकते हो कि मेरा ये चूज योर स्ट्रेंथ ऑफ योर पासवर्ड पूरा सेट के आया। ओके मैं क्या करता हूँ एक ब्लैंक लेबल बना लेता हूँ, तो थोड़ा इसमें स्पेस आ जाएगा, तो मैं एक लेबल बना लेता हूँ लेबल स्पेस नाम का, और मैं उसमें पास करता हूँ लेबल बना रहा हूँ मैं, किसमें बना रहा हूँ रूट में बना रहा हूँ मैं। ओके और लेबल अंडरस्कोर स्पेस को मैं क्लोज करता हूं, तो मैंने यहां पे टैग फंक्शन से क्लोज कर दिया, अब देखते हैं कि थोड़ा गैपिंग आया कि नहीं, तो आप स्पेस को थोड़ा गैपिंग आ गया। ओके तो अभी हमें क्या करना है एक टेक्स्ट बुक बनाना है उसके नीचे। ओके तो मैं एक टेक्स्ट बुक बनाता हूं, मैं पहले एक वेरिएबल बनाता हूं, वेरिएबल बनाता हूं, तो मैं बनाता हूं वैल इज इक्वल टू वैल वाला वेल को। ओके तो अब मैं करता हूँ जो भी टेक्स्ट बुक है मैं उसको स्पिन लेंथ में बनाता हूँ स्पिन बॉक्स। ओके तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पिन बॉक्स बनाना है, तो मैं करता हूँ पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ स्पिन लेंथ करके, लिखता हूँ स्पिन बॉक्स, मुझे स्पिन बॉक्स मिल जाएगा, और मैं क्या लिखता हूँ मुझे किसके अंदर बनाना है स्पिन बॉक्स रूट के अंदर बनाना है,
जो भी मेरा वैल्यू रहेगा स्टार्टिंग वैल्यू वहाँ पे 8 असाइन रहेगा ओके, क्योंकि मेरा जो पासवर्ड है 8 से स्टार्ट मेरा, मैंने 8 दिया, आपको जितना 1 2 जितना देना उतना आप दे सकते हो। फिर मेरा जो पासवर्ड कहाँ पे एंड होता है वो अंडर 2 इज इक्वल टू 30 देता हूँ ओके। तो 30, आई डोंट थिंक सो कि कोई 30 से ज़्यादा पासवर्ड कोई वेबसाइट में पूछा जाता होगा ओके। तो फिर मैं अभी टेक्स्ट वेरिएबल को कॉल कर लेता हूँ, तो मेरा टेक्स्ट वेरिएबल को कॉल कर लेता हूँ मैं टेक्स्ट। मेरा स्पिन है, मैं थोड़ा उसका विड दे देता हूँ, तो मैं विड दे दे रहा हूँ, विड इज इक्वल टू 15 ओके। तो अभी देखते हैं कि हमारा स्पिन जो भी स्पिन बॉक्स बना है कि नहीं बना। सबसे पहले मैं स्पिन लेंथ को क्लोज करता हूँ, क्लोज कर दिया और इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो भी स्पिन बॉक्स था मेरा बन गया और उसमें बाई डिफॉल्ट 8 लिखा है, क्योंकि मैंने फ्रॉम 8 लिखा था ओके। एक और बटन बनाना है इसके नीचे कि यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो मेरा पासवर्ड जनरेट हो जाएगा ओके। तो एक बटन पर फटाफट एक बटन बना लेता हूँ, तो बटन का नाम देता हूँ मैं बटन सबमिट। तो रूट विंडो के अंदर और मैं बटन का नाम दे देता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू। दे दिया जनरेट पासवर्ड ओके। मैं यहाँ पे करता हूँ बस बटन में मुझे इतना ही चाहिए था, और फिर क्या करता हूँ जो मैं बटन इसको क्लोज करता हूँ मैं, तो बटन अंडरस्कोर सबमिट डॉट बटन बन गया है। बट पूरा सट क्या आ रहा है स्पिन बॉक्स है, मैं बटन दोनों एकदम चपक क्या है। तो मैं क्या करता हूँ इधर पे, मैं यहाँ पे बटन कहाँ पे, यहाँ पे तो मैं पैडिंग देता हूँ बटन में, तो मैं लिखता हूँ पैडी इज इक्वल टू 15 15। तो मेरा 15 का पैडिंग आ जाएगा मुझे उसके बीच में ओके। मैंने ये मुझे बटन का दे दिया ओके, तो ये मेरा बटन का साइज बढ़ा दिया। तो क्या कर देते हैं हम, तो पैडी मैं यहाँ से हटा के माइट भी मैं इसके अंदर डालूँगा तो शायद ये वर्क करेगा। तो बटन इज इक्वल टू 15 दे दिया, फिर से रन करके देखता हूँ ओके। तो हाँ ये मुझे दे दिया बटन का पैडिंग 15, तो 15 ज़्यादा जा रहा है तो मैं 10 दे देता हूँ अभी के लिए। और फिर मुझे क्या चाहिए अभी, अब इसको रन कर रहा हूँ मैं, अभी मुझे क्या चाहिए जो मेरा जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करते ही मेरा पासवर्ड जनरेट होना चाहिए ओके। तो यहाँ पर मेरा एक पासवर्ड जनरेट होना चाहिए, मैं करता हूँ जो मेरा पासवर्ड जनरेट रहेगा मैं उसको एक मैसेज के अंदर डालूंगा ओके। तो मैं पहले इसको बना लेता हूँ मैसेज को ओके। तो जो मैं मैसेज का जो भी है मैं उसको एक रिजल्ट में डाल रहा हूँ, देख पहले एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और मैं इसके अंदर मैसेज बॉक्स बना रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ मैसेज रूट के अंदर बनाना है और टेक्स्ट में कुछ भी नहीं दूंगा ओके। टेक्स्ट क्या मैं दूंगा, जो मेरा आउटपुट आएगा यानी सबमिट पे क्लिक करते ही जो मेरा पास एवरेज पुअर पासवर्ड रहेगा वो मुझे प्रिंट करना है ओके। तो मैं इंस्टेड टेक्स्ट को नन दिया ओके, और मैं यहाँ लिखता हूँ रिलीफ आर ई रेस्ट मीन्स जो भी मेरा मैसेज बॉक्स रहेगा वो मुझे शो करेगा ओके। रिलीफ इक्वल टू रेस्ट हटा दिया मैंने, तो जो मेरा मैसेज बॉक्स है मुझे शो नहीं करेगा यानी मेरा आउटर शो नहीं करेगा ओके। तो अभी देख लेंगे कि कैसा दिखता है। तो मैं फिर उसका वेट दे देता हूँ, मेरा मैसेज का मैसेज बॉक्स उसका वेट मैं 200 दे देता हूँ, और जो मेरा फोन रहेगा फोन का साइज मैं दे देता हूँ 25 25 ओके। और फिर मैं देता हूँ रिजल्ट डॉट, जो भी मेरा आउटपुट है मुझे बॉटम में चाहिए ओके। तो मैं लिख लेता हूँ साइड इज इक्वल टू, मैसेज बॉक्स बन गया कि नहीं बन गया।
तो मैंने क्या कर दिया इधर के, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, कंट्रोल एस किया और रन करता इसको। तो आप देख सकते हैं कि इधर पे ये मेरा मैसेज बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर मैंने कुछ डाला नहीं है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अब इसका बैक जो भी मेरा बैकएंड है मैंने इसका लिखा नहीं है कि इसका भी वर्क कैसे करेगा, जो इस पर क्लिक करने पर वर्क कैसे करेगा मैंने वो लिखा नहीं है। ओके तो अभी इसको लिख लेंगे। तो अभी क्या करते हैं, पूरा बैकएंड अभी तो कोड स्टार्ट होगा, मेन कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके तो सबसे पहले मैं करता हूँ, स्टार्टिंग से जाता हूँ और रेडियो बटन चाहिए। ओके मुझे तो रेडियो बटन तो हमारा हो गया, रेडियो बटन कुछ नहीं है यहाँ पर। मैं रेडियो बटन के ऊपर मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, तो ताकि जो भी यूज़र है अगर रेडियो बटन पर क्लिक करे तो उसको कुछ कमांड परफॉर्म होना चाहिए। ओके तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, दैट इज़ सेलेक्शन कर, सेलेक्शन फंक्शन। ओके और मैं सेलेक्शन इज़ इक्वल टू जो भी मेरा चॉइस रहेगा उसे गेट करेगा। ओके चॉइस डॉट मेरा सेलेक्शन फंक्शन रहेगा उसके अंदर मैंने एक जो भी मैं यहाँ चॉइस डालूँगा उसको गेट करेगा। ओके गेट फंक्शन से तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जब मेरा मुझे अगर रेडियो बटन पे कोई क्लिक करता है यूज़र तो मेरा कमांड क्या परफॉर्म होना चाहिए, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ओके तो मैं सिलेक्शन पहले परफॉर्म कर लेता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ क्योंकि मुझे तीनों में चाहिए, तो उसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फिर ये रेडियो बटन के बाद मैंने यहाँ पेस्ट किया। ओके तो अभी मेरा तीन रेडियो बटन तो हो गया कि कोई यूजर्स पे क्लिक करता है तो अभी एक्शन परफॉर्म होना चाहिए वहाँ पे, तो मैंने इसका कोड लिख दिया। ओके तो अभी यहाँ तक तो हो गया, बटन में भी हो गया, स्क्रीन नेम के बाद में फंक्शन बनाता हूँ दैट इज कॉलेबल, कॉलेबल या तो मैं कॉल बैक थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं कॉल बैक लिख लेता हूँ। क्या करेगा जो भी यूज़र सबमिट पे क्लिक कर दे मेरा जो डेटा रहेगा रिजल्ट में डाल देगा। ओके तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिजल्ट मैंने क्या बनाया था, एक मैसेज बॉक्स बनाया था जिसमें मेरा आउटपुट आएगा। ओके मैं करता हूँ एक रिजल्ट डॉट कॉन्फिग मेरा जो भी उसके अंदर टेक्स्ट क्या आना चाहिए, मैसेज बॉक्स रिजल्ट है ये मैंने बनाया था मैसेज, उसके अंदर मेरा जो टेक्स्ट है टेक्स्ट क्या आना चाहिए। ओके तो भी टेक्स्ट क्या आना चाहिए उसके लिए मैं करता हूँ एक नीचे एक फंक्शन बनाऊँगा दैट इज़ पासवर्ड जनरेट करके, तो मैं यहाँ पासवर्ड जनरेट करके एक नीचे फंक्शन बनाऊँगा वहाँ पर मैं कॉल कर लूँगा। ओके तो जो सबमिट बटन है उस पर कुछ तो एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ओके तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या कमांड परफॉर्म होना चाहिए, अगर कोई सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो उस पर ये कहाँ जाना चाहिए, कॉल बैक पे जाना चाहिए। ओके कोई सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो उसको रिजल्ट शो करना है मुझे। ओके तो मैं कॉल बैक पे क्लिक करूँगा तो ये कॉल बैक कॉन्फिग करेगा और ये पासवर्ड जेन करके फंक्शन नीचे बनाऊँगा मैं वहाँ पर चले जाएगा। ओके तो अभी फटाफट मैं पासवर्ड जेन करके फंक्शन बनाता हूँ नीचे, जो मैंने ये तीनों यहाँ पर लिखा था तो यहाँ से मैं कट करता हूँ। ये मेरा मेन लॉजिक है तो मैं इसको यहाँ से कट किया मैंने इसको, और बटन के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके मैंने तीन तीन कैटेगरी बना दिया था पहले जो मैं आपको पहले समझाया था, और जो मैंने क्या बताया एक नीचे फंक्शन बनाऊँगा दैट इज़ पासवर्ड जेन करके, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड जेन करके फंक्शन बना दिया। यहाँ पर तीन कंडीशन दूँगा, कंडीशन कहाँ कहाँ से लूँगा, रेडियो बटन से, मैंने यहाँ पे रेडियो बटन पे, हाँ रेडियो बटन में मैंने चॉइस एक वेरिएबल बनाया था दैट इज़ चॉइस आपका, चॉइस मैंने तीन वैल्यू दिया था दैट इज़ वैल्यू वन वैल्यू टू वैल्यू थ्री, रेडियो बटन का वैल्यू वन था, टू का टू था, थ्री का थ्री दिया था। ओके तो मैं वहाँ से मुझे अभी गेट करना पड़ेगा वैल्यूज और फिर मुझे उस हिसाब से मुझे एक्शन परफॉर्म करना। ओके सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक पहला इफ कंडीशन चलाता हूँ, तो मैं इफ में लिखता हूँ इफ चॉइस ले रहा है, तो उसका वैल्यू वन है
यानी वैल्यू वन है, यानी वो क्या होगा, मुझे पुअर को कॉल करना है, यानी मैंने उसमें ना जो रेडियो बटन वन में क्या दिया था, वैल्यू वन में वो पुअर पुअर पासवर्ड जनरेट करेगा। ओके तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिटर्न, जो मेरा पासवर्ड उसके बीच में मुझे स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसलिए डबल कोट्स लगाया, उसके अंदर एक भी स्पेस नहीं दिया और ज्वाइन कर रहा हूँ मैं उसको, मेरा पुअर पासवर्ड है, मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है, अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर। ओके तो जो भी मेरा लेटर है वो मुझे रैंडम चाहिए, यानी मिक्स करके चाहिए, तो मैं लिखता हूँ रैंडम और लिखता हूँ सैंपल, तो मुझे एक रैंडम सैंपल देगा और मुझे किसको कॉल करना है यहाँ पे, पुअर को, मेरा पुअर पासवर्ड जनरेट होगा पुअर कॉमा गेट फंक्शन करूँगा। ओके तो ये मेरा होगा इफ कंडीशन का, मैं सिंपल क्या करता हूँ, जो भी मैं रिटर्न स्टेटमेंट में से कॉपी करता हूँ और मैं नीचे लगाता हूँ एलिफ, मेरा क्या होगा, जो भी मेरा चॉइस चॉइस रहेगा उसका वैल्यू मैं टू देता हूँ। ओके अगर वैल्यू टू रहा तो मेरा पासवर्ड रहेगा एवरेज रहेगा। ओके तो मैं पूरा सेम लिखूँगा, खाली यहाँ पुअर के जहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँगा एवरेज। ओके और मैं थर्ड जाएगा, थर्ड में मैं खाली अगर पुअर अगर पहला पासवर्ड क्या पुअर हो रहा है, सेकंड एवरेज, अगर दोनों नहीं हुआ तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग वाला रहेगा, यानी एडवांस पासवर्ड है। ओके तो मैं लिख लेता हूँ एल्स लिख लेता हूँ, अदरवाइज मैं इसको एल्स ही लिख लेता हूँ, एल्स चॉइस डॉट होता है, तो जो मेरा ये एवरेज के जहाँ पे मैंने क्या लिखा है एडवांस लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडवांस। यहाँ पे आप केवल एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं क्योंकि मेरा मेरे में तीन ही कंडीशन ही है, मेरा एल्स तीन कंडीशन हो गया। हमारे यहाँ पे कोड होता है एंड, उसको मैं रन करता हूँ, सेव करके इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो पहले मैं इसको पुअर पासवर्ड जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे केवल अपर केस एंड लोअर केस लेटर ही दिया है। ओके और मैं उसके एवरेज पासवर्ड पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे नंबर्स भी दिया है, और देख सकते हो कि मुझे इसमें अपर केस लोअर केस और नंबर्स भी मिल गए। ओके और मैं स्ट्रॉन्ग डालता हूँ तो इसमें मुझे पंक्चुएशन भी मिलेंगे। ओके तो एवरी टाइम मैं जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे रैंडम पासवर्ड देगा, यानी अलग अलग पासवर्ड देगा, ना कि सेम पासवर्ड देगा। आप देख सकते हैं मैं कितना जनरेट पासवर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ, मुझे हर बार नया पासवर्ड दे रहा है। यहाँ लिख लेता हूँ 16, तो मैंने यहाँ जनरेट पासवर्ड पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि मैंने 16 डिजिट है, एक कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दिया, और मैं एवरेज पासवर्ड पर क्लिक करूँगा तो मुझे एवरेज पासवर्ड देगा, और पुअर पासवर्ड पर क्लिक करूँगा तो मुझे पुअर पासवर्ड देगा। ओके तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ।